कोरोना वायरस को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स दुनिया के लिए भी नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सुपर स्ट्रेन अब दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इस नए वेरिएंट के संक्रमण की वजह से करोड़ों लोग बीमार हो सकते हैं। असल में WHO ने वायरस के सबसे घातक वेरिएंट को लेकर सबसे नई वार्निंग जारी कर दी है। WHO ने कह दिया है कि अमेरिका और भारत समेत ओमिक्रॉन का XBB.1.5 सब वेरिएंट अब दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है। इस वेरिएंट को क्रैकन यानी समुद्री राक्षस तक कहा जाने लगा है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्राकेन की तरह काफी तेजी से फैलता है। WHO ने कहा है कि इस वेरिएंट की वजह से आने वाले समय में दुनिया में कोरोना की और ज्यादा सुनामी आ सकती है। ओमिक्रॉन से निकले सुपर स्ट्रेन ने सबसे पहले अमेरिका में तबाही मचाना शुरू कर दी। अमेरिका में हो रहे नए कोरोना इन्फेक्शन में 70% इसी वेरिएंट की वजह से संक्रमित है, यानी हर 10 में से 4 शख्स इसी सुपर स्ट्रेन की वजह से संक्रमित हुआ है। वायरस के व्यवहार से पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट का असर अब ब्रिटेन में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स अमेरिका के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। ब्रिटेन के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर लॉरेंस यंग ने कहा कि ये XBB.1.5 वेरिएंट बहुत ही ज्यादा संक्रामक है और इसी वजह से न्यूयॉर्क के अस्पतालों में भीड़ पड़ रही है। WHO की टेक्निकल लीड डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका और यूरोप में तेजी से फैल रहे नए वेरिएंट को लेकर काफी चिंतित हैं। इसमें ईस्टर्न अमेरिका में ये वेरिएंट काफी तेजी से डोमिनेट होता जा रहा है। यह हाल तब है जब ओमिक्रॉन का BF.7 वेरिएंट जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और ताइवान में तबाही मचा रहा है। जापान में रोजाना 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और अब अमेरिका में भी 2 लाख केसेस सामने आने लगे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएंट अलग है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।